हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में आज हम एक और इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की रिक्वेस्ट मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने की थी। उन्होंने मेरे आरती ड्रग्स के वीडियो में मेंशन किया था कि वो कावेरी सीड्स पर एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो राजेश जी, आपने काफी इंटरेस्टिंग कंपनी को हमसे डिस्कस करने के लिए बोला है। ये एक मार्केट लीडिंग कंपनी है, ये अपने सेक्टर लीडर कंपनी है, अपने सेक्टर की डोमिनेंट कंपनी है। ये हाइब्रिड सीड्स में हाई क्वालिटी सीड्स बनाने का काम करती है। कावेरी सीड्स बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, ऑलमोस्ट ये 30 से 40 साल से ऑपरेशन में है और बिजनेस में कंटिन्यूअसली है और बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है। इस कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं जो कि हमको अट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कंपनी भी काफी लाइमलाइट में रही थी, अगर आपको याद होगा 2 साल पहले कुछ मार्की इन्वेस्टर ने भी इसमें पोजीशंस अपनी बनाई थी, तो काफी बजिंग कंपनी थी उस समय। बट हम इस कंपनी को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बिजनेस को समझने वाले हैं, जो कि हमारा पहला सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट जो है हमारा, वो फंडामेंटल पैरामीटर्स का सेगमेंट है, जिसमें हम इसके पैरामीटर्स को, रिटर्न रेशियोस को समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड जो हमारा सेगमेंट होता है, जिसमें हम टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो होता है। तो इंटरेस्टिंग होगा, काफी डिटेल में हम इस कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इंफॉर्मेशन आपको दे पाए यहाँ पर। और जब आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आपको काफी इजी होगा इस कंपनी को स्टडी करने में। तो सर, आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमिडिएटली मिलेगा। तो सर देखिए, ये है कावेरी सीड्स। इस कंपनी की वेबसाइट मैंने खोलकर रखी हुई है, आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कावेरी सीड कंपनी है, इट इज इंगेज इनटू रिसर्च। पहले तो ये रिसर्च का काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं ऑफ वेरियस हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स। तो ये इनका क्लियर कट बिजनेस मॉडल है कि ये हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स को बनाते हैं, उसको अलग अलग हाइब्रिड सीड्स को, उस पर रिसर्च भी करते हैं, नए सीड्स को डिस्कवर भी करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो ये इनका प्राइमरी बिजनेस है। अब हम इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुए। तो आप देखिए, 1976 से मिस्टर जीवी भास्कर राव जो थे, उन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था विद एन ऑब्जेक्टिव टू फ्यूल इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये एक इनका ऑब्जेक्टिव था और ये 1976 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट ये 44 ईयर्स पुरानी कंपनी है। तो ये 4 डिकेड से ऊपर की कंपनी है, तो ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस कंपनी को अपने बिजनेस में काम करते हुए, काफी एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो चुकी है। कावेरी सीड्स टुडे इज द इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाइब्रिड सीड्स इन की इंडियन क्रॉप्स। तो जो की इंडियन क्रॉप्स है, उसमें हाइब्रिड सीड्स बनाने का में स्पेशलाइजेशन है इस कंपनी का। तो ये देखिए, 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन ग्रोअर्स हैं, 65,000 एकर्स ऑफ एरियाज इन सीड्स प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। तो ये देखिए, 65,000 एकर्स ऑफ एरिया। तो ये देखिए फिर कितना बड़ा स्केल इनका, और 12 डिफरेंट एग्रोकेमिकल जोन्स। तो ये हर जगह, इतनी जगह, इतने लार्ज स्केल पे ये ऑपरेट करते हैं, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम समझें, तो इनके 2 डिवीजन है, एक तो है इनका फील्ड क्रॉप और दूसरा है वेजिटेबल। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं हमारे, उसके भी हाइब्रिड सीड्स ये बनाते हैं। तो आप देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स है। तो जो मेज मतलब भुट्टा, तो आप देखिए ये इसके भी हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, हाइब्रिड सीड कॉर्न द्रोना के नाम से आता है इनका, फिर ये बम्पर के नाम से भी आता है कावेरी, फिर नेक्स्ट इसी में ही कॉर्न में ही इनके पास बहुत सारी वैरायटीज है, फिर कावेरी 25K 55 ये एक कॉर्न सीड बनाते हैं, 66 81 बनाते हैं, और ये फिर ये कॉर्न के अलावा पैडी, तो पैडी के भी इनके पास बहुत सारे वेरिएंट हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर आप देखिए कॉटन में भी इनकी प्रेजेंस है, कॉटन के भी बहुत अच्छे अच्छे ये सीड्स बनाते हैं, KH100BG2, फिर KCH111BG11 है ना जी, फिर जादू, ऐसे करके बहुत सारे इनके पास है ATM। तो ये कॉटन में है, मेज में है, पैडी में है, फिर सनफ्लावर,
सनफ्लावर की भी देखिए, चैंप के नाम से इनका एक है, फिर सन क्रांति है, तो ये सारे पैकेट्स में भी आप फोटोज भी देख सकते हैं, इनका नाम भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड के भी सीड्स ये बनाते हैं, हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। फिर ये देखिए सोरघुम, इसको भी ये बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पल्सिस, पल्सिस में भी देखिए बहुत सारे इनके पास डिफरेंट डिफरेंट पल्सिस हैं जिसके ये हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। फिर बाजरा, बाजरा के हाइब्रिड सीड बनाते हैं, और वीट। तो इतने सारी वैरायटी है इनके पास, जो मेजर क्रॉप है, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, उन सभी के हाइब्रिड, हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स ये बनाने का काम करते हैं। ये तो हो गया आपका क्रॉप्स का बिजनेस। दूसरा हो जाता है इनका वेजिटेबल्स का, तो वेजिटेबल्स में भी आप देखिए टोमेटो, टोमेटो के बनाते हैं हाइब्रिड सीड। उसके बाद ओकरा, ओकरा के बनाते हैं मतलब भिंडी, इसके भी बनाते हैं। फिर देखिए चिली, लेडी फिंगर होता है, बट ओकरा को यहाँ पर ये बोल रहे हैं भिंडी, ये मुझे समझना पड़ेगा। फिर चिलीज देखिए, ये तो आपको पता ही है, चिलीज, लिटिल हॉट, क्रांति, इनके नाम से आती है। वाटरमेलन, वाटरमेलन के जो हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं ये। फिर देखिए गॉड्स, इसके भी बनाते हैं ये हाइब्रिड सीड्स। और ब्रिंजल, ठीक सर। तो ये ब्रॉडली जो है इनकी दो डिवीजन हो गए, प्रोडक्ट डिवीजन, एक तो फील्ड क्रॉप का हो गया और दूसरा वेजिटेबल का हो गया। तो ये इन दोनों, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों सेगमेंट इम्पोर्टेंट है जिसमें ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जैसे आपको हमने बताया कि रिसर्च ड्रिवन कंपनी है, तो ये देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। सैटेलाइट ब्रीडिंग स्टेशन है कावेरी के, ये बेस्ड ऑन द रिसर्च गैप्स। तो देखिए जो फार्मर फील्ड में काम करते हैं वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसको ये स्टडी करते हैं। डिफरेंट सैटेलाइट जोन है इनके वेल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो बहुत सारे अलग अलग जगह पर, क्योंकि हर एरिया का अलग क्लाइमेट होता है, अलग चैलेंजेस होते हैं, तो इन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अपने सैटेलाइट जो है ब्रीडिंग स्टेशंस वो उनको डेवलप किया है। कीपिंग इन व्यू द रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली फॉर कॉटन, जैसे कॉटन की बात करें आप, तो साउथ जोन बनाया है इन्होंने, सेंट्रल जोन बनाया है, नॉर्थ जोन बनाया है। मेज के लिए, भुट्टे के लिए इन्होंने नॉर्थ पांच स्टेशन बनाए हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्टर्न पार्ट में ये ऑपरेट कर रहे हैं। राइस ब्रीडिंग के लिए 8 सेंटर बनाए हैं अक्रॉस द कंट्री। पर्ल के लिए और मिलेट वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बनाया उन्होंने। वेजिटेबल्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बनाई है। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रीडिंग स्टेशंस बहुत सारे अलग अलग जगह पर, क्योंकि ब्रीडिंग आपकी हाई क्वालिटी की होगी तभी आप हाई क्वालिटी के सीड्स बना पाएंगे। तो ये ब्रीडिंग मटीरियल जनरेटेड इन दिस सेंटर्स विल बी एडवांस्ड एंड इवेल्युएटेड इन द ब्रीडिंग ट्रायल्स। तो ये देखिए जो हाई क्वालिटी ब्रीड्स बनाते हैं उसमें ये काफी सारे टेस्ट भी करते हैं, उसके अप्रूवल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं, द हाइब्रिड डेवलप्ड इन द ब्रीडिंग स्टेशन हैज टू अंडरगो थ्रू आउट एंड स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग स्टेजेस। तो ये बहुत सारे टेस्टिंग स्टेजेस होते हैं, उसके प्री कॉमर्शियल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ही ये लॉन्च करते हैं। ठीक है सर, ये इनकी, इनका प्रयास है कि जो फार्मर की रिक्वायरमेंट हो वैसे ये सीड्स बनाकर दे पाए, ये इनका एम्बिशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी लेट इनोवेशन, तो इनके पास हाई क्वालिटी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये अपने अच्छे हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स बना पाते हैं। तो ये देखिए, आर स्टेट ऑफ आर्ट बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी इज इक्विप्ड विद सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स एंड इज सपोर्टेड बाय हाईली क्वालिफाइड पर्सनल्स। आरएनडी टीम जो है कंप्राइजेस ऑफ 100 पर्सनल, 100 लोगों से ज्यादा इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिसमें से 20 साइंटिस्ट हैं। तो अच्छी टीम है इनके पास जो कि ये काम करती है। देखिए ये जो है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो टेक्निक्स है उसको भी यूज करते हैं, साथ में बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, कैंडिडेट जीन स्ट्रेटेजी एंड एसोसिएशन मैपिंग। तो ये सारी चीजों की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसको भी ये यूज करते हैं। इनके पास कम्युनिटी नेटवर्क है 1 लाख से ज्यादा फार्मर्स का, जो कि 12 अलग अलग एग्रीकल्चरल जोन्स में है। इनके पास 600 एकर्स ऑफ डेडिकेटेड रिसर्च फार्म्स हैं इनके पास विद वेरिंग एग्रो क्लाइमेट कंडीशन। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में 600 एकड़ से ज्यादा इनके पास रिसर्च फार्म है। फिर सैटेलाइट सेंटर्स इनके पास इन लखनऊ एंड फॉर वेजिटेबल्स इन गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो ये दो जगह पे सैटेलाइट सेंटर भी है, राइस के लिए लखनऊ में और वेजिटेबल्स के लिए गुंटूर में। देखिए ऐसा है इनका ये बिजनेस। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग भी करते हैं, तो ये मेज की करते हैं, राइस की मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग
कॉटन की अदर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें हैं। फिर सीड टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, तो यहाँ पर एक्सटेंसिवली जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन जो है थ्रू आउट इंडिया में बहुत बड़ी जगह एरिया है, तो हर एरिया की डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उन सभी पर यह टेस्ट किया जाता है। और वी आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी एट पमूला परती। सीड आर चेक्ड फॉर जेनेटिकली एंड फिजिकल प्योरिटी एज वेल एज जर्मिनेशन फॉलोइंग द इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, तो इन सबको ये मीट करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये 170 प्लस जो है आउटरीच सेंटर, इनके पास 115 मिलियन मेट्रिक टन पर आर है इनके थ्रू आउट टोटल एवरेज थ्रूपुट है ये। उसके बाद देखिए टोटल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 1,15,000 सॉरी, उसके बाद 4,500 एमटी पर साइकिल जो है वो मेज कॉब ड्राइंग फैसिलिटी है, तो ये सारी इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है। देखिए आप फिर सीड ग्रोइंग कैपेबिलिटीज, तो 30 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइब्रिड कॉटन के, तो ये ध्यान रखिए कॉटन के ऊपर इनकी बहुत डिपेंडेंसी है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के हाइब्रिड कॉटन सीड्स के। फिर टॉप 5 रैंक जो है लीडरशिप इन की क्रॉप्स, 17 प्लस प्रोडक्शन लोकेशन दैट अंडरटेक सीड प्रोडक्शन फॉर फील्ड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, फिर 17 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स इनके पास, 1000 प्लस जो है फील्ड प्रमोटर और ये सारे लोग हैं, 2500 विलेजेस को ये कवर करते हैं। ये सारे इनके ये बैंडविड्थ दिखा रहे हैं कितनी बड़ी है इनके पास। इनके एडवांटेज क्या है, तो रिलायबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पास, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, प्रेफर्ड ब्रांड फॉर फार्मर्स है, फार्मर सेंट्रिक प्रोडक्ट पाइपलाइन इनके पास, नर्चरिंग फार्मर रिलेशनशिप है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव जर्मन प्लाज्म रेस्पिरेटरी है, पैन इंडिया ऑपरेशन है और बेस्ट प्लेस्ड टू स्केल प्रोडक्शन। ये सारी चीजें हैं, ये जनरल चीजें हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। चलिए हम जल्दी से इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बता रहे हैं, ठीक है। कॉटन एग्रीकल्चर जो है वो हैव इंक्रीज 1.8% ऑन ईयर बेसिस, प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू लो प्रोडक्शन ग्लोबली एंड इंक्रीज्ड डिमांड इन एंटिसिपेशन ऑफ COVID-19 रिकवरी, तो ये COVID-19 के चक्कर में प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इससे प्राइसेस इंप्रूव हुए कॉटन प्राइसेस और उसका फायदा मिला इनको। ये देखिए मेज एकरेज जो है हैज बीन स्टेबल ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये जो द मेन इंक्रीज इन खरीफ मेज इन कर्नाटका महाराष्ट्र राजस्थान स्टेट, पुअर कॉमोडिटी प्राइसेस हैव इंपैक्टेड रबी मेज एरिया, तो ये है जी। उसके बाद देखिए हाइब्रिड राइस की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 8-10% रहेगी, वेरस कावेरी की जो हाइब्रिड राइस है वो 48% पे ग्रो कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री को बीट करके जल्द तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं। फिर ये एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं, तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, तो काफी सारी जगह पे ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर कुछ इंडस्ट्री बैकड्रॉप बता रहे हैं ये, अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़ सकते हैं इसको, किस तरीके से रेनफॉल के साथ ये एसोसिएटेड रहती है, तो ये भी है। एक्चुअली ये जो सीड्स की और एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री रहती है थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहती है, जैसे कि आपने देखा रेनफॉल से रिलेटेड, इंडिया की ज्योग्राफी काफी बड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है इस बिजनेस में, थोड़ा नहीं काफी बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से इनके बिजनेस में काफी अंतर पड़ सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर कि 9 मंथ FY21 क्रॉप वाइज परफॉर्मेंस ये यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी क्रॉप से कितना क्या कुछ परफॉर्मेंस आया है, तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय हो इनको आप पढ़ सकते हैं जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप वाइज परफॉर्मेंस इन्होंने बताया, तो कॉटन की जो क्रॉप रही है उसमें देखिए ऑलमोस्ट स्टेबल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 मंथ से FY21 और 20 ये लेटेस्ट है, ऑलमोस्ट आप देखिए 446-435 और तो ये ऑलमोस्ट सेम रही है, लोअर बाय लेस देन 2% गेन कॉटन सीड मार्केट इन गुजरात हरियाणा मार्केट, लॉस्ट सेल्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये आपको समझना है। तो और कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्लांट्स वेंट अप फ्रॉम 31% to 35%, न्यू प्रोडक्ट जो है वो ये है। फिर नॉन कॉटन आप बिजनेस देखिए, तो वो जो है एक अच्छा ग्रो किया है
अब 34% से अच्छा ग्रो किया है। मेज जो है उसका भी बिजनेस जो है उसके वॉल्यूम्स जो है इंक्रीज हो गए ऑलमोस्ट 20% पे, रेवेन्यू जो है वो 13.6% से इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन है इसमें। फिर हाइब्रिड राइस देखिए आप, तो वॉल्यूम इंक्रीज 47.72% हो गया हाइब्रिड राइस में। और ये देखिए नेक्स्ट जो सिलेक्शन है सिलेक्शन राइस, तो वॉल्यूम ग्रो बाय 49.98 इन FY21, तो ये 49.98 तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको राइस के सेगमेंट में भी देखने मिल रहा है। फिर आप देखिए वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल सेल्स वॉल्यूम एज इंक्रीज्ड बाय 150%, तो बहुत ही तेज गति से बढ़ा है इनकी सेल्स। फिर मेजर ग्रोथ ड्रिवन बाय हॉट पेपर, टोमेटो, गॉड्स एंड ओकरा, इन सभी के कारण इनके सेल्स बढ़ी है। तो आप देखिए सेगमेंटल रेवेन्यू जो है कॉटन से इनका मैक्सिमम आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जो मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो कॉटन पे डिपेंडेंट है और एक मेज पर है, ये दो पर इनके रेवेन्यू बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है और तीसरा राइस हो गया, तो ये तीन पर ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो अगर ये अगर आपके कॉटन प्राइसेस एडवर्स रहते हैं तो इस कंपनी पर बहुत असर पड़ेगा। मेज के प्राइसेस, कॉटन के प्राइसेस और राइस के प्राइसेस, इन सब के प्राइसेस का जो असर है इस कंपनी पर डायरेक्टली पड़ सकता है, तो ये एक थोड़ी सी रिस्क जरूर है क्योंकि एक सेगमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर है जो कि नहीं होना चाहिए। ये पहले का था, अभी इस साल का देखिए तो सारी चीजें बढ़ी तो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट थोड़ा सा रिस्क और इनको मिटिगेट करना चाहिए अपना। यहाँ पर ये कुछ फ्यूचर आउटलुक बता रहे हैं, तो ये फील्ड हो गया है जिसमें क्रॉप्स आ जाते हैं और एक वेजिटेबल सेगमेंट हो गया। कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज नॉन कॉटन रेवेन्यू जो है वो 60% से, नॉन कॉटन जो रेवेन्यू 60% जो अभी है उसको घटाकर 53% पर लाना चाहते हैं, तो ये जिससे कि क्योंकि एक एक क्रॉप पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, तो 60% से 53% पे लाना चाहते हैं। एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हैज शॉर्टलिस्टेड 9 कंट्रीज एज पोटेंशियल एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो 9 कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट जो है बांग्लादेश से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट 4 से 5 साल में कावेरी एम्स ये है कि साइजेबल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट हाउसेस से आना चाहिए। फिर ये एक्सपेक्टिंग सम एडिशनल सेल्स इन Q4 फॉर कॉटन फ्रॉम समर मार्केट्स एज वेल एज अर्ली मार्केट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, तो अभी जैसे समर स्टार्ट होगी तो वहां से कॉटन प्राइसेस जो है वो बढ़ना चालू होना चाहिए, इसकी डिमांड बढ़ना चाहिए एक्चुअली। फिर न्यू प्रोडक्ट्स पाइपलाइन इन मिलेट विल सेट अ ग्रोथ प्लान फॉर द फ्यूचर ग्रोथ इन दिस सेगमेंट, तो ये पाइपलाइन जो है इनकी मिलेट की उससे फ्यूचर ग्रोथ भी प्रोपेल होगी। फिर ये वेजिटेबल्स में आप देखिए, तो वेजिटेबल जो है ये इंडिया इज करेंटली $30 बिलियन की इंडियन रुपीज में मार्केट है, ये 20% से ग्रो हो रहा है। करेंटली मार्केट शेयर ऑफ KCL इज वेरी लो, तो ये कावेरी सीड्स का बहुत मार्केट जो शेयर है वो बहुत छोटा है और वो ग्रेजुअली इंप्रूव होना चाहिए। उसके बाद कावेरी हैज इंट्रोड्यूस्ड LCV, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें कर रहे हैं। बिटर गोड, ओकरा एंड न्यू वेजिटेबल इंट्रोड्यूस्ड इन Q4 आर परफॉर्मिंग वेल, तो ये इनका प्रदर्शन ठीक है। कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। अब कावेरी के कुछ मोड्स हैं सीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ, तो कहाँ से प्रॉफिटेबल ग्रोथ आती है, इनकी क्या मोड्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड, कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, ब्रांड साइलेंस एंड प्रेफर्ड चॉइस ऑफ फार्मर है ये, फार्मा सेंट्रिक प्रोडक्ट पाइपलाइन है इनके पास, फिर अनरेल्ड फार्मर लॉयल्टी है इनके पास, फिर लीडरशिप इन की क्रॉप्स, 5 क्रॉप्स में इनकी टोटल 5 रैंक है इनकी, फिर कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीन जर्म प्लान रेस्पिरेटरी, ये चीज भी है। उसके बाद मार्केट एडजेसेंट पैन इंडिया ऑपरेशन विद कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके पास, हाई एंट्री बैरियर्स है और बेस्ट प्लेस टू स्केल अप प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपने देख लिया है कि बिजनेस को क्रॉप में है, वेजिटेबल्स में है, बहुत पुरानी कंपनी है, 40 साल से पुरानी और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एक्सपोर्ट भी करती है, तो ये आपने ब्रॉडली इनके बिजनेस को समझ लिया यहाँ पे काफी डिटेल में। तो हाइब्रिड सीड बनाने की ये काफी पुरानी कंपनी है और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स पर जो कि हमारा दूसरा सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट कैपिटल जो है वो 3,000 करोड़ का है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। पीई देखिए बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है 9.17, जो कि अच्छी बात है।
बुक वैल्यू 211 रुपीस का ठीक है। आरओसीज और आरओईज देखिए तो अच्छे आरओसीज और आरओईज ये मेंटेन कर पा रहे हैं 23% टू 22%। तो यहाँ पर ये पास हो जाते हैं, यहाँ पर ये पास हो जाते हैं, यहाँ पर ये पास हो जाते हैं। फिर आप देखिए डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो यहाँ पर भी अच्छा डिविडेंड दे रही है 0.78%, तो ये भी यहाँ पर पास होते हैं। फिर डेट टू इक्विटी देखिए ये जीरो है, तो बहुत क्लीन बैलेंस शीट है, कोई भी डेट नहीं है, पास हो जाते हैं। यहाँ पर इक्विटी कैपिटल छोटी सी है, बहुत बढ़िया। मार्जिन देखिए 29.2%, तो ये भी बहुत ही अच्छे मार्जिन्स मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये सारे पैरामीटर्स अभी तक हमने जो देखे वो काफी एनकरेजिंग दिख रहे हैं। चार्ट हमको क्यों साइडवेज दिख रहा है उस पर हम बात करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो दिसंबर के क्वार्टर में जो लास्ट ईयर और इस साल का, तो सेल्स घटी है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। कहाँ से इम्प्रूव हुआ है? मार्जिन तो उतने ही थे, हो सकता है टैक्स में इन्होंने कुछ थोड़ा सा कम पे किया है। यस, तो यही है, ऑलमोस्ट जो टॉप लाइन है वो तो ऑलमोस्ट सेम या कहना चाहिए थोड़ी सी घट गई है कुछ परसेंटेज पॉइंट्स, पर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर में देखिए तो नेट सेल्स बढ़ी थी और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा था, तो जो कि अच्छा प्रदर्शन हुआ था सितंबर क्वार्टर में। जून क्वार्टर में देखिए आप तो ये सेल्स बढ़ी थी इनकी और जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा था और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए थे। तो ये कभी कभी बहुत अच्छे मार्जिन कमांड करते हैं, कभी कभी इनके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। इतना फ्लक्चुएशन क्यों है ये हमको मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। अब आप देखिए मेन जो है ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस, तो मुझे इस कंपनी में जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे एक जगह जो वीकनेस दिखी, क्यों? क्योंकि ये कंपनी ने वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं कर पाई इतने सालों में। आप देखिए ये हम जो स्टडी कर रहे हैं 2013-14 से अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड कर रही है कंपनी। तो इतने सालों से इसने वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं करी? उसका सबसे मेजर रीजन है वो ये है कि इनकी जो सेल्स है आप देखिए वो ब्रॉडली सेम रही है। अगर कोई कंपनी ग्रोइंग कंपनी नहीं है और कॉन्स्टेंट सेल्स रहेगी तो उसके प्राइसेस घटेंगे नहीं बट उसके उसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे भी नहीं। जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी उसके शेयर प्राइसेस में आपको कोई भी बढ़त नहीं दिखेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ग्रोथ का। तो आप देखिए 2013 से 700 करोड़ की जो उसकी सेल्स थी वो आज भी 900 करोड़ पर ही पहुंच पाए, डबल भी नहीं कर पाए हैं। और ये हम बात कर रहे हैं कम से कम 8 साल की, 7 से 8 साल का डेटा हमने लेके रखा हुआ है। तो ब्रॉडली इनकी जो सेल्स है वो 700 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में बनी हुई है। वहीं पर मार्जिन आप देखिए ठीक है 20-27% तक पहुंच रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है बट फिर भी मुझे बहुत कन्विंसिंग ये नहीं दिख रहा। तो सबसे बड़ा कंसर्न अगर मेरा होगा तो वो होगा ग्रोथ से रिलेटेड। आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, सारे रिटर्न रेशियोज बहुत शानदार हैं, अनडाउटेबली बहुत अच्छी बात है, मार्केट लीडर है सीट्स में, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस ग्रोथ को कैसे प्रोपेल कर पाते हैं, कितनी स्पीड से आप इस ग्रोथ को बढ़ा पाते हैं, वो सबसे की पॉइंट होगा। फिर आप देखिए शेयर कैपिटल तो बहुत सारे 2-3 बार ये बायबैक कर चुके हैं अपने शेयर्स को जो कि अच्छी बात है, और बोरोइंग्स नील है, रिजर्व्स काफी अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, कैश देखिए आप कैश बहुत अच्छा जनरेट करती है। तो इनके क्या है कि फिक्स्ड सेल है, फिक्स्ड प्रॉफिट है और इनका कैश उसी से आता रहता है, बट मार्केट को चाहिए है ग्रोथ। तो ये सारी चीजें तो अच्छी है, सिर्फ अगर ग्रोथ इनमें वापस रिटर्न होकर आएगी, अगर ग्रोथ इनकी बढ़ती है तो फिर ये कंपनी में आप बहुत बड़ी री रेटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है और बहुत तेजी से मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेगी, जिसको हम ट्रैक करते रहेंगे। तो और देखिए यहाँ पे आरओसीज देखिए तो ये अच्छे हैं, आरओसीज मेंटेन किए हुए, डेटर डेज बिल्कुल कंट्रोल में है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, एफआईएस की होल्डिंग देखिए तो ऑलमोस्ट ये भी फ्लैट है, थोड़ा सा कम किया है एफआईएस ने, डीआईएस ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, एफआईएस ने थोड़ी सी कम करी है। पब्लिक के पास सिर्फ 18% है, 17% पहले था, अभी 18% हुआ, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं हुआ। तो जो मैक्सिमम है होल्डिंग 80% ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं, 82% जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ये है ब्रॉडली इनका जो कहना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस भी हमने कर लिया, कंपनी बहुत अंडरवैल्यूड दिख रही है और कोई इशू नहीं है, सारी चीजें सही दिख रही है, सिर्फ एक ग्रोथ सबसे बड़ा कंसर्न है। ग्रोथ अगर रिटर्न होकर आएगी तो आपको बहुत अच्छे शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएट होते हुए आपको इस स्टॉक में दिख सकती है। चलिए सर अब नया नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है टेक्निकल एनालिसिस का, उस पर हम जल्दी से स्विच कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, 10, 20, 50, 100,
200 डेज के एक RSI इंडिकेटर है, और ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड का। तो यहाँ पर एक कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा 2009 से लेकर 2014-15 तक ये बहुत अच्छे ट्रेंड में थी कंपनी। तो आपने देखा कि जो अर्निंग मोमेंटम हो सकता है कि 2013-14 तक अच्छा रहा हो, क्योंकि पीछे का डेटा हमारे पास नहीं है, बट 14 के बाद से आप देख रहे हैं कि बहुत फ्लैटिश इसका ट्रेजेक्ट्री हो गई है। तो 14-15 के बाद से आप देखिए ये घट भी गई है बल्किन की। तो ये क्या हुआ इसको हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में थी और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये कंपनी आपको दिख रही थी 2015 तक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर आप देखिए यहाँ पर कि अब जो है ये ऑलमोस्ट साइडवेज आपको दिख रही है कंपनी। तो बहुत लंबे समय हो चुका है, ऑलमोस्ट काफी ये कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट ये आपको 5 साल से 7 साल 6 साल हो चुके हैं कि एक ही जोन में ट्रेड कर रही है, जो कि बैंड है उसका 300 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में। तो ये इसी बैंड में कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए आपको दिख रही है। अगर ये डिसाइसिवली कभी भी आपको इस लेवल को ब्रेक करते हुए दिखे ये जो है, तो आप देखिए 600 से ऊपर अगर ऑलमोस्ट 600 से ऊपर अगर आपको ये क्लोज करते हुए ये स्टॉक दिखता है, जिस किसी भी दिन अगर ये 600 रुपए से ऊपर क्लोज करते हुए अगर आपको दिखता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके जो साइडवेज कंसोलिडेशन का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा वहां पर। तो उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ाना चालू कर सकते हैं। अभी तो ये इसमें इस चार्ट में आपको कुछ नहीं है, अभी बहुत समय ले भी सकता है और कौन सा साइडवेज में ही ट्रेंड कर रहा है ये, इसमें कुछ भी अभी ना तो स्ट्रेंथ दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, मतलब ये साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। तो मैं आपको जैसा बोल रहा था कि स्ट्रेंथ तब वापस आएगी जब ये इस जो बैरियर लाइन है या जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके क्लोज करने में सक्सेसफुल होना चाहिए। ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक तो यहाँ पे भी किया था, उसके ऊपर मंथली क्लोजिंग देना चाहिए इसको। तो ये मंथली चार्ट है इसलिए हम मंथली बात करेंगे, तो मंथली मंथ के एंड में ये क्लोज करना चाहिए डिसाइसिवली, और कुछ अच्छे वॉल्यूम्स भी यहाँ पर एड होने चाहिए। अगर ये सब चीजें होती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर जो है इसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर जाने की स्टार्ट हो सकती है। साथ में हम दो चीज को देखेंगे, इसके रिजल्ट्स को भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और इसके जो ब्रेकआउट है इस जो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज कर पा रहा है यानी, ये दोनों चीज को हमको मॉनिटर करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसकी वीकली चार्ट पर। तो आप देखिए मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। तो ये है सर इसका वीकली चार्ट, 8 साल का मैंने डेटा लेके रखा हुआ है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अच्छा अप ट्रेंड में थी, फिर हमने अच्छा करेक्शन देखा क्योंकि इसमें काफी डिसअपॉइंटमेंट हमको देखने मिली इनके रिजल्ट्स में, और भी कुछ शायद न्यूज बेस्ड भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी समय पहले की बात है। तो इसके कारण एक डिसअपॉइंटमेंट हमको देखने मिला और अभी तक ये कंसोलिडेशन के फेज में ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड कर रहा है अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट ये 5 साल से ये ऑलमोस्ट साइडवेज ही ट्रेंड कर रहा है, इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और मैं तो सुपर ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अगर ये इसको ब्रेक कर पाता है आने वाले समय में, या इसी ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक कर देता है, सपोज इस बॉक्स को ये 700 रुपए से ऊपर क्लोज कर पाता है या 600 रुपए से ऊपर क्लोज कर पाता है, तो फिर आप समझ जाइए। इसको मैं फिर से बनाता हूँ, देखिए आप ये जो मुझे लग रहा है ब्रॉडली ये देखिए, तो ये आउटसाइड कैंडल मान सकते हैं इसको आप। तो यहाँ पर टच पॉइंट है, देखिए यहाँ पर टच हो रही है और ये यहाँ पर, तो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे आपके बन पा रहे हैं। तो 600 का लेवल जो हमने बात की थी, एक क्रूशियल लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहां पर अगर थोड़ा समय ये बिताता है इसके ऊपर और डिसाइसिवली क्लोज करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में और अच्छा समय देता है, तो फिर आप एक थोड़ा सा रिज्यूम इंटरेस्ट जो बोलते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। पर अभी इस चार्ट में कहीं भी किसी भी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, ये प्योरली आपका साइडवेज ट्रेंड कर रहा है। इसमें बहुत समय आपका जा सकता है, इसलिए मैं अभी आपको इसमें एंटर करने के लिए नहीं बोलूंगा। इसमें आप अभी पोजिशन मत बनाइए, जब तक कि आपको डिसाइसिवली इसमें ब्रेकआउट नहीं देखने मिलता तब तक आप इसमें बिल्कुल भी पोजिशन मत बनाइए, क्योंकि आपका बहुत समय जा सकता है इस काउंटर में। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, अगर आपके पास है पोजीशंस तो आप बने रह सकते हैं, अगर आपके पास पोजीशंस नहीं है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत समय लग सकता है ब्रेकआउट देने में। आप देखिए यहाँ पर डेली चार्ट्स में भी यही दिख रहा है हमको, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, बट ये थोड़ा इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो एक रेड अलर्ट तो है यहाँ पर,
क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया है और ये नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करता तो अच्छा रन अप आपको ऊपर देखने मिलता, बट अब ये तो बेस लाइन को ही ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो आपको अलर्ट में रहना चाहिए। और मैं जैसे आपको बताया हूँ कि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, 600 रुपए से ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता है वीकली बेसिस पे, तो लंबे समय के लिए आपको अच्छे रनअप देखने मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बोलते हैं कुछ महीनों के अंदर, तो आप ये कम से कम 550 ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ऊपर क्लोज करने दीजिए, उसके बाद ही कुछ पोजीशन बनाने का प्रयास करिएगा, अभी तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करिए। तो कंपनी अच्छी है सर, कुछ इसमें वीकनेस है जो हमने बात की, जैसे कि हमने देखा ग्रोथ का एक बहुत बड़ा स्टोरी है इसमें कि ग्रोथ लैग कर रही है, बाकी मैनेजमेंट बायबैक कर रहा है वो जरूर अच्छी बात है, बैलेंस शीट क्लीन है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ, और जो दूसरा है कि रिस्क काफी होती है इसमें, इस बिजनेस में, क्योंकि ये एनवायरमेंट के ऊपर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन भी बहुत होता है, अगर आप सीड्स के प्राइस बहुत बढ़ा देंगे तो गवर्नमेंट उसमें बीच में आ जाएगी और सीड्स के प्राइस को इंक्रीज नहीं करने देगी, तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं इस बिजनेस में, इतना ईजी नहीं है इस बिजनेस को करना। तो ये रीजनेबल दिख रही है कंपनी मुझे, मैं एट प्रेजेंट तो अवॉइड करने के लिए कोशिश करूंगा, बट अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दिखता है, अर्निंग्स रिटर्न होकर आती है, अर्निंग्स इंप्रूव होना चालू हो जाती है और चार्ट में भी आपको वो चीज देखना चालू हो जाता है, तभी आप इसमें एंट्री करिए, अदरवाइज अभी तो इसको आप एक तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो सर ये था मेरा इस पे एनालिसिस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।